हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी का नंबर 5 वाला टेस्ट और ये हमारी सीरीज का टेस्ट नंबर है 29। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे एपीटेट 2018 लेवल 1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, यानी गणित जो है वो एक विज्ञान है संख्याओं का, क्वांटिटीज का और मेजरमेंट्स का यानी मापन का। ये डेफिनेशन किसने दी थी? भाई ये डेफिनेशन जो दी थी ये बेल ने दी थी। तो याद रखिएगा, बेल बेल यानी मतलब घंटी से आप याद रखिएगा, उसने कहा कि नंबर्स का, क्वांटिटीज का यानी मात्रात्मक, ठीक है, और मेजरमेंट यानी मापन का, तीन बातें इसने कही। दूसरा सवाल, द स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि कौन सा मेथड बिल्कुल इस पे लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव किससे बिलोंग करता है। अब आप देखिए, कॉग्निटिव डोमेन जो था ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में, उसने कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष की एक सीखने के प्रतिफल जो होते हैं ना, लर्निंग आउटकम्स, उसे आप कैसे कॉग्निटिव डोमेन में लिखो, यानी संज्ञानात्मक पक्ष वाले, उसके बारे में बात की ब्लूम ने, जिसके अंदर आता है हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एक दो और आते हैं, उनको चलो पहले डिटेल में समझते हैं। पहला, रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद करना, रिकॉल करना यानी आप सोच रहे हैं, अपनी मेमोरी से निकाल कर ला रहे हैं ऐसी चीजें जो कि आप रिकॉल कर पाए और रिकॉग्नाइज कर पाए यानी कि आप पहचान पाए। जैसे कि एक टीचर ने क्लास में कहा कि क्या तुम्हें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है जमा की, जैसे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, और जो कि बराबर होती है ए प्लस बी, उनको ब्रैकेट में कर दो जमा सी, ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो टीचर ने ये सवाल पूछा, अगर बच्चा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसे दी जाए और वो इस प्रॉपर्टी पे को पहचान पाए तो ये चीज़ कहलाएगी आप रिकॉल, यानी वो रिकॉल कर रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है उसके अंदर, यानी उसमें पहचान पा रहा है। तो ऐसे लर्निंग आउटकम जिसमें रिकॉल और रिकॉग्नाइज आता है तो वो सबसे नीचे आते हैं, यानी रिमेंबर करने वाले में, जिसको कि हम नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, अंडरस्टैंड यानी समझ पर आधारित। स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्ड करते हैं नए कनेक्शन यानी नए संबंध अपने दिमाग के अंदर। जैसे कि टीचर ने क्लास में एक पढ़ाया इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि लैंड पे रहने वाले लोग, बच्चे बच्चे या पशु या पक्षी, वो किस तरीके के होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी में रहने वाले कैसे होते हैं। अब टीचर ने टास्क दिया कि एक फिक्टिशियस एनिमल के बारे में बताया और कहा कि बताओ अगर वो पानी में रहता होगा तो इस तरीके का उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब बच्चे को जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सूझ से उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। वो सिर्फ रिकॉल और रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव का कि पहचान रहा है या पता कर रहा है, इसमें जो है बच्चा अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ के आधार पर जो है वो प्रश्न का जवाब देगा, तो ये कहलाता है अंडरस्टैंड। अब तीसरा जो है वो है अप्लाई यानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एक नई प्रॉब्लम को आपको जवाब देना है, ठीक है, उसके अंदर सर्टेन स्टेप्स होते हैं यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जिनको अप्लाई करेंगे। अब टीचर ने बच्चों को सिखाया न्यूटन के 3 लॉज के बारे में, ठीक है, और टीचर बच्चों से पूछती है, फिर टीचर एक एक्सीडेंट के बारे में बच्चों को दिखाती है और फिर पूछती है कि ये क्यों हुआ और इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है। तो बच्चे ने जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है न्यूटन के 3 लॉज के बारे में, वो उसको अप्लाई करेंगे एक सिचुएशन के अंदर, एक कंटेक्स्ट के अंदर, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन। इसके बाद नंबर 4 पर आता है भाई एनालाइज। एनालाइज का मतलब है तोड़ना, चीज़ों को तोड़कर सूक्ष्म तरीके से देखना, जैसे कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर आप चीज़ों को बहुत ही गहराई से, गहन से देखते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को, तो ये कहलाता है कि की एलिमेंट्स को तोड़ना और फिर उनको एग्जामिन करना हर पार्ट के अंदर, तो वो कहलाता है एनालिसिस। जैसे स्टूडेंट रीड अ स्टूडेंट लैब रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई द एविडेंस टू सपोर्ट द फाइंडिंग। अब एक जो है एक फाइंडिंग है जो स्टूडेंट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे, तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब उस फाइंडिंग के बारे में यानी एनालिसिस
एक फाइंडिंग आ गई, बच्चे जो है उस फाइंडिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और उसको सपोर्ट करते हुए आर्ग्यूमेंट्स या फिर सपोर्ट करते हुए कंक्लूजन्स लेकर आएंगे, तो वो कहलाएगा एनालिसिस। इसके बाद है इवेलुएट, इवेलुएट करना, ठीक है। ये जो है ना आधारित, यानी रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट, ये 2008 में जो हमारी चेंज हुई थी ना ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, उस पर आधारित है। जो पहले वाली थी ना 1956, उसमें इवेलुएशन जो था वो एंड में था और पांचवें नंबर पे था सिंथेसिस, यानी संश्लेषण, जिसको जोड़कर देखना, और फिर उस सिंथेसिस को चेंज करके पांचवें से छठे नंबर पे ले गए और उसका नाम चेंज कर दिया क्रिएट, यानी कुछ नई चीज बनाना, जैसे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती है नई चीज बनाना, ठीक है। इवेलुएट के अंदर है चीज़ों के बारे में आंकलन करना, यानी पता करना कि ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे स्टूडेंट्स रीड करेंगे फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमंस, तो अब ऐसे उन्होंने रीड किया इस चीज़ के बारे में और उसके बाद उन्होंने इवेलुएट किया, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए या फिर इससे डिसएग्रीमेंट वाले आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो मतलब चीज़ों के बारे में आंकलन करना, वो कहलाता है इवेलुएट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं एक अप्रोप्रिएट मेथड का चुनाव करना, तो समझ तो उसकी पहले बन चुकी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अप्लाई करके देखना है ना कि कौन सा चुनूं, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा एप्लीकेशन। नॉलेज में तो सिर्फ होता है हमारा रिकॉल और रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंडिंग में होती है हमारी समझ, वो तो बन चुकी है, अब देखना है कि कौन सा मेथड इसके लिए उपयुक्त होगा, तो इसलिए एप्लीकेशन है। स्किल जो है वो तो हमारा साइकोमोटर डोमेन से जुड़ी हुई है, तो ये नहीं। द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोजेक्ट मेथड, अ प्रोजेक्ट मेथड जो ना भाई वो किला पिटरिक ने दिया था, ठीक है। उसमें पहला स्टेप क्या है, योजना विधि के हमारे सिद्धांत देखिए। सबसे पहला है समस्या उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन प्रोवाइड की, टीचर ने कोई ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड की जिसके पे बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसमें फिर बच्चे जो है वो अपने आप कार्य चुन लेते हैं, जैसे टीचर ने जो कहा कि हम जो है बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके बारे में पत्तियों के बारे में उत्पन्न किए कि अलग अलग पत्तियाँ कौन सी होती है, तो समस्या उत्पन्न कर दी। किसी बच्चे ने चुन लिया कि मैं जो है अपने एरिया से, मेरे घर के पास ये वाले पेड़ है तो मैं उनकी पत्तियाँ ले आऊँगा, ठीक है। फिर उसने योजना बनाई कि मैं कौन सी लाऊंगा, उसको एग्जीक्यूट किया, लेकर आया वो, और फिर कार्य का निर्णय लिया, जज किया कि क्या मैंने पत्तियां जो ली वो सारी ले ली या नहीं ले ली, और एंड में उसको रिपोर्ट किया, टीचर को एक रिपोर्ट बनाकर दी। तो यही कहलाता है योजना विधि के सिद्धांत। तो हमारा सबसे पहला इसके अंदर हो गया हमारा समस्या उत्पन्न करना, यानी प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, ठीक है। फिर चूजिंग एंड प्रपोजिंग, ये तो कार्य चुनना, ये नंबर दो है। प्लानिंग, ये नंबर तीन है। एग्जीक्यूटिंग, जजिंग, रिकॉर्डिंग, ये सब इसके बाद है, और एंड में जो है वो रिपोर्टिंग है। तो हमारा सबसे पहले तो एक सिचुएशन प्रोवाइड करना हुआ ना, कि यानी आपको जिस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है उससे रिलेटेड एक ऐसी समस्या उत्पन्न की जिसमें फिर बच्चा अपने आप चुनाव करेगा कि मैं किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाऊँ। इसमें बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है ये। मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन इजीली, यानी आप गुणा जो है वो अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करके, ओबीबी मैथ्स किट का, ओबीबी यानी ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, जो कि हमारी एनपी 1986 आई थी, उसके बाद 87 में इसे लागू किया गया कि हर एक स्कूल के अंदर मिनिमम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, तो उस पर आधारित एक मैथ्स किट के बारे में बात की गई, और ये चारों चीज़ें हैं ना, ये मैथ्स किट का पार्ट है। अब हम देख लेते हैं ये चारों चीज़ें कौन सी होती हैं। देखिए मैथ्स किट में कहा गया कि हमारी सात बातें, सात चीज़ें होनी चाहिए, डोमिनोज होने चाहिए। ये जो है भाई ये डोमिनोज हैं, आप देखिए कि इसमें जो हमारी लेंथ क्या है 1 और ब्रेड्थ क्या है 2, इसमें हमारे दो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारी लंबाई 1 हो गई और चौड़ाई जो है ये 2 है, इसमें इनको आप 2 में भाग सकते हैं, और इसके बाद 1 में जैसे ये हो गया हमारा 6/0, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ऐसे ही हमारा 5 और 5 के साथ 0, यानी खाली काला ब्लैक स्पेस, फिर 5 के साथ 1, फिर 5 के साथ 2, फिर 5 के साथ 3, ऐसे ही 4 3 2 और फिर एंड में एक खाली स्पेस। डोमिनोज को यूज़ करते हुए आप बच्चों को जो है वो जमा सिखा सकते हैं, ठीक है। दो कार्ड रख दिए, जैसे कि आपने रख दिया एक ये एक वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये खाली स्पेस है, और इसके साथ आपने रख दिया बच्चे को ये 2 वाला और ये खाली स्पेस, फिर वो बिंदु गिन के बता सकता है कि 1 2 3, 1 और 2 को ऐड करो तो 3 आएगा, तो 3 बिंदु आएंगे, तो ठीक है। इस तरीके से हम जमा सिखा सकते हैं डोमिनोज के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं सिखा सकते, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। अब आ गई हमारी क्यूजेनियर स्टिप्स। भाई क्यूजेनियर स्टिप्स जो होती है ना वो इस तरीके की होती है, इसके अंदर जैसे हमारे ये हो गया 1, ठीक है, ये छोटी छोटी 1/1/1, यानी कि एक क्यूब जो हो गया
आप मान लीजिए जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1/1 हो गई, उससे ये शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये जो होता है एक के ऊपर एक रख दिया तो ये हमारी हो गई ऐसी, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, इसको दिखाने के लिए। फिर बड़े को दिखाने के लिए वो हो गई 3, फिर और उससे बड़े को दिखाने के लिए 4 एक साथ पिंक कलर में, ठीक है, ये कहलाती है हमारी क्यूजेनर स्ट्रिप्स। ये होती हैं भाई हमारी क्यूबिक रूट्स, ये भी हमारे इसी पे आधारित है। जैसे हमारा 1, ये हो गए हमारे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये एक तरीके से लंबा लंबवत दिखा रही है कि कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्क के अंदर हमारे ये डिस्क होती है, जैसे कि एक जो चीज़ है ये पूर्ण है और इसको आप कितने भागों में, कितने फ्रैक्शंस में, कितने भिन्स में डिवाइड कर सकते हो। एक केक को 2 भागों में किया तो 1/2, 1/2, इस तरीके से जो यूज़ होती है वो होती है फ्रैक्शनल डिस्क। अब हमारे जो क्वेश्चन में पूछ रखा था कि हम गुणा कैसे सिखा सकते हैं, अब भाई गुणा सिखा सकते हैं हम नेपियर स्ट्रिप्स के तहत। नेपियर स्ट्रिप्स के तहत आप क्या करते हैं, एक इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप जो है 0 से 9 तक ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पर आप लिखना शुरू करते हैं 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और फिर आप जो है पहाड़ा लिखते हैं, हर एक बॉक्स को आप ऐसे 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है वो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। फिर आप लिखते हैं इस चीज़ को, ये यहाँ पे जो लिखी हुई है नीचे आपकी वाई एक्सिस पे, इसको आप एक्स एक्सिस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 2, और आप नीचे लिख देंगे 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10। अब 10 आ गया ना, 2 डिजिट आ गया, तो एक डिजिट एक ट्रायंगल में एक ही डिजिट आएगी और जो दूसरी डिजिट होगी टेंथ प्लेस वाली वो ऊपर चढ़ जाएगी, तो 1 ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप ये इस टेबल को भर लेते हो। अब आप मान लीजिए आपको जो है 3 को 45 से गुना करना है, तो आप क्या करेंगे, 3 को 45 से करना है, तो 3 × 4 = 12, तो यहाँ आ गया 12, ठीक है, और 3 × 5 = 15। अब क्या करेंगे, या एक रो जो है हमारी ये टेढ़ा डायगोनल, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है, और 2 और 1 क्या हो गया 3, और 1 आ गया ऐसे। तो इस तरीके से आप जो है वो गुणा निकाल सकते हैं, यानी कि आप जैसे देखिए 4 को अगर आप मान लीजिए 34 से गुना करना है, तो 4 × 3 = 12, यहाँ आ गया, और 4 × 4 = 16, और फिर आपने जो है डायगनली ऐड किया, ये आ गया हमारा 1 प्लेस पे 6, 2 और 1 3 टेंथ प्लेस पे, और 1 आ गया ऐसे, आपको डायगनली ऐड करना है फिर। तो इससे आप जो है मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, ये नेपियर स्ट्रिप्स कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा नेपियर स्ट्रिप्स। लास्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान एज पर हर्बर्टेरियन अप्रोच। अब भाई हर्बर्ट ने एक अप्रोच दी थी लेसन प्लान बनाने की। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो थे ना, वो एक जर्मन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम लेसन प्लान यानी कि हम पाठ योजना किस तरीके से कर सकते हैं। उसने पहले तो 4 स्टेप्स दिए। उसने कहा कि सबसे पहले होनी चाहिए क्लियरनेस, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर होना चाहिए एसोसिएशन, आप संबंध क्या बनाएंगे, सिस्टम आप किस चीज़ के अंदर लेकर बनाएंगे, और मेथड आप क्या सामग्री क्या मेथड यूज़ करेंगे, यानी क्या प्रक्रिया यूज़ करेंगे। मगर उसके जो चेले थे ना, उन्होंने इस चीज़ को, उसकी इतनी सारी बातों का ना नाम चेंज कर दिया और ये रख दिया, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट और एसोसिएशन। और आज की डेट में जो नाम है ना भाई, वो है सबसे पहले है प्रेपरेशन, यानी कि तैयारी, प्रस्तावना। टीचर जो है वो एक तैयारी के साथ आती है क्लास के अंदर और बच्चों का एकदम अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ऐसा सवाल पूछती है कि बच्चे उसकी तरफ ध्यान देने लग जाए, और जब वो ध्यान देने लग जाती है तो फिर उसके बाद वो कहेगी कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। तो ये कहलाता है स्टेप प्रेपरेशन। उसके बाद आता है हमारा 2 प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा नया सामान, नई सामग्री को पेश किया जाता है, नई चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाती है पुराने ज्ञान से, जो कि हमने प्रेपरेशन के टाइम जब हम स्टार्टिंग में टॉपिक इंट्रोड्यूस किया ना, तो हमने जांच लिया कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो जो प्रीवियस नॉलेज है उसका ध्यान रखते हुए प्रेजेंटेशन यानी सेकंड स्टेप के अंदर जब आप नया मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करोगे, आप नए नए एग्जाम्पल लेके आओगे और बच्चों के एक्सपीरियंस को भी एक पार्ट बनाओगे अपने टीचिंग का। इसके बाद है तीसरा एसोसिएशन और कंपैरिजन, यानी कि चीज़ों के बीच में संबंध बनाना और कंपेयर करवाना, बच्चा जो है वो इन चीज़ों को देखे, ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, और चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना सीख जाए, यानी तुलना। चौथा स्टेप है जनरलाइजेशन, यानी कि एक सामान्यकरण प्रिंसिपल बना लेना, जैसे कि बच्चा जो है
एक अगर आप लेसन प्लान लेके चले चले हो, जैसे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो टीचर ने प्रिपेयर किया, पूछा हो इस तरीके का एक क्वेश्चन कि आज हम ये करने वाले हैं, प्रेजेंट किया ऐसे ऐसे बेटा जो है ये तीन अलग अलग ट्रायंगल लेकर आई और उनके तीनों एंगलों को के जोड़ के करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने एसोसिएट किया कि छोटे ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग करूँ या बड़े ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग करूँ, तो सबका सम जो है वो 180 आ रहा है। इसके बाद बच्चे ने जनरलाइजेशन बना ली कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एक रूल बना लेना इंडक्टिवली। इसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अब बच्चे ने ये जो समझ स्थापित की है ना, इसका यूज़ करते हुए वो कोई हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला में इसको अप्लाई, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में से यूज़ कर रहा है, मेंसुरेशन में यूज़ कर रहा है, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन। और रिकैपिचुलेशन, ऑल दो जो है हार्वर्ड के उसने डायरेक्ट नहीं दिया था कि ये स्टेप है, मगर माना जाता है कि छठे नंबर पर, वैसे डायरेक्ट स्टेप नहीं है मगर फिर भी हम मान लेते हैं कि छठे नंबर पर रिकैपिचुलेशन है, यानी जो भी पढ़ाया उसके बारे में इकट्ठा एकत्रित ज्ञान करना और समअप करना, यानी कि आज हमने ये सब पढ़ा। जैसे नॉर्मली आपने लेसन प्लानिंग करी होगी और या फिर आपने प्रैक्टिस टीचिंग की होगी, तो आपने देखा ही होगा कि एंड में आप कहते हैं कि इस पार्ट के बाद, पहले तो आप लिखते हैं कि बच्चे को ये आ जाएगा, उद्देश्य लिखते हैं, और एंड में आप ये लिखते हैं कि हाँ बच्चे को ये सब आ गया, मैंने ये चैप्टर ऐसे ऐसे पढ़ाया, इस सामग्री से पढ़ाया, तो एंड में कंक्लूजन कि ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेरे अचीव हो गए। तो लास्ट स्टेप जो है भाई वो रिकैपिचुलेशन है। पहला प्रेजेंट, प्रिपरेशन यानी प्रस्तावना, दूसरा प्रेजेंट करना, तीसरा एसोसिएट और कंपैरिजन करना, चौथा एक सामान्यकरण बात बनाना, पांचवा उस सामान्यकरण बात को अप्लाई कर करके देखना, और छठा रिकैपिचुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिकैपिचुलेशन। फॉलोइंग क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू एल एल स्क्वायर। तो ये एक तरीके की क्या है, एनोलॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी कि रेक्टेंगल से जुड़ी हुई उसके एरिया से जुड़ी हुआ फॉर्मूला एल इंटू बी, तो स्क्वायर उसके एरिया से जुड़ा हुआ फॉर्मूला क्या होगा। तो एक एनालॉजी हुई ना, यानी दो चीज़ों के बीच में संबंध को, और इसके बीच में देखो एनालॉजी वाले क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, ये वाला निशान यूज़ किया जाता है चार डॉट्स वाला, ये ऐसा है तो इसका संबंध इससे कैसा होगा, और सेम रिलेशनशिप जो यहाँ पे है एरिया का क्षेत्रफल का, वही स्क्वायर का एरिया का रिलेशनशिप हमें यहाँ पर निकाल कर दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं भाई एनोलॉजी टाइप। रामानुजम के मैथमेटिकल रिसर्च मोस्टली किस पर है, रामानुजम जो थे उनकी मैथमेटिकल रिसर्च ज़्यादातर थियोरी ऑफ नंबर्स पे है, यानी नंबर, नंबर की थ्योरी, टैक्सी नंबर जैसे 1729, इस तरीके से जो थे उसने नंबर्स के बारे में, रामानुजम जी ने एक बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं, उन्होंने थियरी ऑफ नंबर्स पे बहुत काम किया है। तो इसका आंसर ये है, द वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव इन साइको मोटर डोमेन, यानी कि कोई आप चीज़ सीख रहे हो, तैरना सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, जैसे कि साइकिल चलाना सीख रहे हो, मांसपेशियों से आधारित साइको मोटर डोमेन कहलाता है, उससे आपके लोएस्ट लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आई एम सी स्क्वायर है, आई यानी इमिटेशन यानी नकल करना, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर यही है इमिटेशन, लर्न बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग एक्शन, किसी को देखना और उसके किए हुए क्रियाकलाप को अनुकरण करना, दूसरा मैनिपुलेशन यानी खुद कर कर देखना, ठीक है रटे हुआ जो आपने देखा है उस वैसी ही डायरेक्शंस में आप कर रहे हो, तीसरा प्रिपरेशन, प्रिसीजन सॉरी प्रिसीजन है यानी सी से हम यहाँ प्रिपरेशन प्रिसीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है तो उसके अंदर आ जाता है परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एग्जैक्ट एंड एक्शन मोर एंड मोर प्राइस, जितना आप बार बार करते रहते हो तो आपको उसमें आप प्रिसाइज हो जाते हो, यानी आप और अच्छी तरीके से करने लग जाते हो। चौथे नंबर पे है हमारा आर्टिकुलेशन, यानी आप जो है उस स्किल को एक हारमोनियस तरीके से करने लग जाते हो, यानी घबरा घबरा कर तोड़ तोड़ कर नहीं करते, आप इतने स्मूथ तरीके से करने लग जाते हो, जैसे कि एक परफेक्ट ड्राइवर जब हो जाता है तो वो गाने बजाते बजाते भी आराम से गाड़ी हाईवे पे कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली सड़क में भी चलाने लग जाता है। और सबसे ऊपर आता है हमारा नेचुरलाइजेशन, जिसको हम हैबिचुएशन भी कहते हैं, यानी आपकी वो जो है वो हैबिट बन जाती है, ठीक है तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है, अचीव कर लेते हो आप एक्शन में और आप जो है वो सेकंड नेचर का वो एक्शन बन जाता है, यानी आप बहुत अच्छी तरीके से उसे करने लग जाते हो। तो भाई इसमें सबसे नीचे हमने देख लिया क्या है, हमारा इमिटेशन है, ठीक है करेक्टराइजेशन और रिसीविंग, ये जो है भाई अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है, यानी संवेगों वाले से। नेचुरलाइजेशन तो भाई हाईएस्ट है, आपको बहुत अच्छी तरह आ गया। सबसे नीचे है इमिटेशन, अनुकरण करना। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिंथेटिक मेथड यानी संश्लेषण विधि, उसका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है
संश्लेषण विधि होती क्या है? संश्लेषण विधि वो होती है जो कि हमारी विश्लेषण विधि के पुण्यता विपरीत है। यानी संश्लेषण, एनालिसिस देखिए, विश्लेषण यानी चीजों को तोड़ना, संश्लेषण वो टूटी हुई चीजों को मिलाकर एक चीज बनाना, ठीक है, वो है संश्लेषण। इस विधि से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम नोन टू अननोन की तरफ आते हैं। जो हम एनालिसिस में टुकड़ी टुकड़े वाली बातें हैं ना, वो तो नोन है, तो उन टुकड़े वाली बातों से हम एक जनरलाइज प्रिंसिपल बनाते हैं, जो कि प्रिंसिपल तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता ना, एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि इस पे लागू हो रही है, इस पे लागू हो रही है, तो सब पे लागू हो रही है, तो सब पे लागू हो रही है, तो वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो वो एक अननोन हुई, नोन क्या हुई कि इस छोटे ट्राइंगल पे लागू हो रही है, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एक बड़े वाले पे भी लागू हो रही है। फिर हमने एक स्टेटमेंट बना दी कि सम ऑफ अ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो एक जनरलाइज बात है जो कि हमारी अननोन है। नोन तो एक छोटा एग्जाम्पल, एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल, वो है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है कि नोन टू अननोन। अन्य शब्दों में खंडों से प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। रेखा गणित की पुस्तकों में जिस रूप में साध्यों का हल लिखा होता है वह सब संश्लेषण में है। तो रेखा गणित के अंदर यानी कि ज्योमेट्री के अंदर आप जितना भी प्रूफ्स वगैरह करते हो वो ज्यादातर हमारे सिंथेसिस पे आधारित है। अब इस विधि के गुण क्या हैं यानी एडवांटेजेस क्या हैं? इस विधि में कम समय लगता है, मन बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा हाई लेवल हुआ ना, आप नोन से अननोन की तरफ जा रहे हो और अननोन दिखाई भी नहीं देता है, तो भाई इसलिए ये जो है ये मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दोष क्या है? इस विधि में पदों का अनुसरण यांत्रिक ढंग से किया जाता है, यानी मैकेनिकल फैशन में आप कहते हो कि ये ऐसे एक प्रिंसिपल है। यह विधि सिद्ध तो करती है किंतु स्पष्ट नहीं करती। इस विधि से छात्र की विचार, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता, ये इसका एक दोष है। दिस इंडिकेट्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग इन एजरडेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एजरडेल जो थे उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, यानी जितनी ऑडियो विजुअल एड्स थी उनकी, उन्होंने एक नाम की किताब लिखी थी ऑडियो विजुअल एड्स, और उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे नीचे जो होती है ना वो हम शुरू करते हैं मोस्ट कॉन्क्रीट, यानी चीज़ों को जिनको और आप छूकर देख सकते हो, जिनको आप जी सकते हो अच्छी तरह, और उससे होते हुए आप मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो, यानी आप जो है अमूर्त की तरफ जाते हो, मोस्ट मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो है वो खुद करके सीख रहा है, खुद देख रहा है, खुद मैनिपुलेट कर रहा है मटेरियल को, तो ऐसी लर्निंग, ऐसा अधिगम लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत देर तक याद रहता है। फिर होता है कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस। अब टीचर जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट बच्चे के आगे कर दे, ड्रामेटिक, बच्चा जिसमें पार्ट लेता है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए सबसे एंड में आती है भाई हमारे वर्बल सिंबल्स, जो सिर्फ किताबों से पढ़कर आप जो ज्ञान ले रहे हैं, तो उसमें बच्चा डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा ना, खुद करके नहीं देख रहा, तो वो जो है वो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, और वो जो है वो उसे याद करना काफ़ी मुश्किल है। सो वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग उसके अंदर होती है, क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उसका पार्ट ही नहीं बन पाते, तो इसलिए जो है उसमें लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग होती है। सो 10 का आंसर है हमारा वर्बल सिंबल। कोन को आप देख सकते हैं, ये 10 सीढ़ियों में है। आप देखिए, आप जैसे जैसे सीढ़ी में ऊपर जाते जाएंगे हम, आप और एब्स्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, यानी आप चीज़ों को और छूकर नहीं देख पाएंगे, और उतनी ही आपकी लर्निंग जो है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी, अधिगम जो है वो और कम होता जाएगा, और आप जल्दी से जल्दी भूल पाओगे। इसलिए तो ये कहते हैं ना, ये एजरडेल कहते हैं कि किताबों से जो पढ़ते हैं उसको आप जल्दी कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो वो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट है और डायरेक्ट आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, आप खुद उसका पार्ट नहीं बन पा रहे, और ऐसी लर्निंग जिसमें आप पार्ट नहीं बन पा रहे तो वो मीनिंगफुल ज़्यादा नहीं हो पाती, और वो ज़्यादा देर उसका रिटेंशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं हो पाता। द यूनिट्स वन डिजिट एडिशन, एक डिजिट का एडिशन करना है, वन वन प्लस वन कर लिया, चलो ठीक है। टू डिजिट एडिशन, 22 जमा 22 कर लिया। थ्री डिजिट एडिशन, 222 जमा 222 कर लिया, ठीक है। ये इंक्लूड की जाती है पहली की किताब में, दूसरी की किताब में और तीसरी की किताब में रिस्पेक्टिवली, इन प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो एडॉप्टेड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा कंसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि आपने एक टॉपिक लिया, पहले आपने उसे करा दिया, आपने फिर दूसरा टॉपिक लिया जिसके अंदर पहला टॉपिक सम्मिलित है, उसके अंदर आता है, जैसे 1+1 इसके अंदर है, और फिर आपने ले लिया 22+22, इसमें भी तो आप वंस डिजिट को ऐड ही कर रहे हो ना, और फिर टेंथ डिजिट को ऐड कर रहे हो, और फिर आपने सबसे बड़े वाला ले लिया, आपने क्या किया,
इसके अंदर आप जो है वंस डिजिट को भी ऐड करोगे, टेंथ डिजिट को भी ऐड करोगे और हंड्रेड्स डिजिट को भी ऐड करोगे, तो टॉपिक जो है वो एक के अंदर एक हो गए ना, तो इस चीज़ की कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए ना, यानी एक के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक, यानी एक के अंदर एक। तो इस तरीके की अडॉप्टेड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन को कहलाता है कंसेंट्रिक, यानी उसके अंदर ही अंदर होना। टॉपिकल तो है, मतलब एक टॉपिक को लेना और बार बार उसको रिविजिट करते रहना, वो टॉपिकल होता है, ठीक है, वो ये नहीं है। स्पायरल ऐसे होता है कि आप एक टॉपिक पे आगे बढ़े और फिर दोबारा उस टॉपिक को आपने रिवाइज किया, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने रिवाइज किया, यानी बार बार उसका आगे बढ़ना और फिर रिविजन करते हुए जाना, वो स्पायरल कहलाता है। स्पायरल अप्रोच की बात जो की थी भाई, वो ब्रूनर ने की थी, याद रखिएगा। इंडक्टिव अप्रोच यानी आगमन विधि, आगमन विधि के अंदर क्या है, आप जो है वो एक रूल यानी एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, वो कोई इसके अंदर नहीं है, ये तो साइंस के अंदर ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू, कॉन्सेंट्रिक। अकेडमिक स्टैंडर्ड टू बी टेस्टेड थ्रू द फॉलोइंग टेस्ट आइटम, अब एक एक टेस्ट आइटम दे रखा है कि इन नंबरों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, 17, 32, 23, 19, 62 और 37। तो इसके अंदर भाई हमारी मैथ की होती हैं बहुत सारी स्किल्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ्स की कौन सी स्किल्स हैं, और ये चारों जो है ना ये मैथ्स की स्किल्स हैं, तो हमें बताना है कि बच्चे की कौन सी स्किल इसके अंदर टेस्ट होगी। देखिए आप देखिए, कनेक्शन कनेक्शन है, यानी कि कनेक्शन सिंपल हिंदी आप देखिए तो क्या होता है, कनेक्शन होता है संबंध बनाना, तो यही इसके अंदर है कि स्टूडेंट जो होगा वो आपके मैथमेटिकल यानी गणित के आधार पर संबंध बना पाएगा। बच्चा देखेगा कि कैसे मैथमेटिकल आइडियाज़ यानी कैसे गणित के आइडियाज़ आपस में संबंधित है, कनेक्ट करेगा नई प्रॉब्लम को पुरानी प्रॉब्लम के साथ और सोचेगा कि मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम क्या पहले भी कर रखी है। वो देखेगा कैसे मैथ्स के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करते हैं इस सब्जेक्ट से लेकर दूसरे सब्जेक्ट तक, कैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी यूज़ हो जाते हैं, तो ये या फिर रियल वर्ल्ड में जैसे मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ तो वो कैसे यूज हो रहे हैं। बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पाएगा फैमिलियर आइडियाज को, यानी जिनको वो जानता है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे वो मल्टीप्लिकेशन सीखने लगता है तो वो कहेगा अरे ये तो रिपीटेड एडिशन है, 3 × 3 करूँ या फिर 3 को 3 बार जमा कर लूँ, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो ये कहलाता है कनेक्शन बनाना। लाइक्स टू नो व्हेन अदर्स थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी इन अ डिफरेंट वे, और बच्चा जानना चाहेगा, वो एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहेगा कि कोई और उसी सम को यानी उसी चीज़ को किसी और तरीके से कर रहा है, तो उस तरीके को सीखना चाहेगा, क्योंकि वो एक नया कनेक्शन, एक नई चीज़ के बारे में जानकारी ले लेगा और अपना जो कनेक्शन है जो उसने बनाया है उसमें मॉडिफाई भी कर सकता है और एक नई चीज़ भी उसको सीखने को मिलेगी। तो भाई ये कहलाता है कनेक्शन, ठीक है। अब दूसरी जो स्किल है वो होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, जब से नॉर्मल भाषा में देखिए कि किसी भी चीज़ को चित्रित करना। अब जैसे आपसे कहा जाता है ना, एक नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, 3 को 1 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप क्या करते हैं एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, आप कहेंगे भाई ये है ये 3 है। एक ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप डेटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स उसमें क्या करते हैं, आप न्यूमेरिकल डाटा को उस तरीके की चीज़ों में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए, बड़े बड़ी आपको लाइंस ना पढ़नी पड़े। एक आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की, आपने एक ने पाई चार्ट बनाया और दिखा दिया कि किस किस पार्टी को कितने वोट पड़े, तो वो कहलाता है भाई रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये अ स्टूडेंट हु इज सक्सेसफुल, यानी एक बच्चा जो सक्सेसफुल होगा रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या करेगा, एक उसके पास एक लिस्ट होगी जिससे कि वो रिप्रेजेंट कर पाएगा एक प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को, क्या पाई चार्ट बनाऊँ, बार ग्राफ से दिखाऊँ, लाइन ग्राफ से दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ। वो रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेगा अपनी थिंकिंग को यूज़ करने के लिए, वो शब्द में भी कर सकता है, वो ड्राइंग में भी कर सकता है, पिक्चर से भी दिखा सकता है। जैसे कि आपने फ्रैक्शन को देखा था, 1/4 को पिक्चर से दिखा दो, नंबर लाइन पे दिखा दो, और या फिर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के तहत दिखा दो। तो ये है बच्चा जो है रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेगा कि वो क्या सोच रहा था, उसने कैसे किया और कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो वो उस तरीके से किसी और को दिखाने की कोशिश करेगा। और बच्चा जो है वो इजीली एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी रिप्रेजेंटेशन पे चला जाएगा अगर उसको पता होगा कि 1/4 को मैं ऐसे फ्रैक्शन में भी दिखा सकता हूँ, मैं नंबर लाइन पे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं
उसमें भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो समझ गया है कि एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो भाई ये दूसरी स्किल कहलाती है रिप्रेजेंटेशन। अब आ गए हम तीसरी स्किल पे, यानी कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन शब्द आप जनरल भाषा में देखिए क्या होता है। कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने कोई भी विचार या कोई भी बात जो आपको आती है आप दूसरे तक बताना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात यही है ना। वही चीज़ मैथ्स के अंदर है। बच्चा जो है वो एक्सप्लेन कर पाएगा अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को क्लियरली, साफ तरीके से और कंसाइजली, यानी कि संक्षिप्त में। ऐसा नहीं कि कहानी में यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, ऐसे नहीं मैडम। ये है, ये स्टेप है। और हमें, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ जो है वो हमें यही चीज़ सिखाता है कि हम जो है वो कंसाइज हों, प्रिसाइज हों, यानी कि हम ब्रेविटी हो, और यानी हम छोटे शब्दों में भी, कम शब्दों में अपने विचारों को प्रकट कर पाएँ और उसी तरीके से अपनी समझ विकसित कर पाएँ। सीख करेगा क्लैरिफिकेशन, रियलाइज़ करेगा कि बच्चा कम्युनिकेशन करेगा यानी दूसरे से जब बातचीत करेगा तो उसको पता चलेगा कि कोई बात नहीं, मैं किसी गणित की प्रॉब्लम में संघर्ष कर रहा हूँ तो दूसरे से हेल्प लेने में कुछ नहीं जाता। वो भी उसको बता पाएगा, टीचर बता पाएगी, उसका मोर नॉलेजेबल दोस्त बता पाएगा कि भाई तेरी गलती यहाँ हो रही है। और जब कोई और नया, नए आइडियाज़ के आएगा और एक्सप्लेन करेगा तो वो जो है उसकी चीज़ों को समझ पाएगा और उसमें सेंस बनाने की कोशिश करेगा। तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। इसके बाद आ गया रीजनिंग एंड प्रूफ, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। आप देख रहे थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमें लगाना था, तो बच्चा क्या है वो एक रीजनिंग को, यानी वो एक इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर रहा है कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना है मुझे, तो एक यानी कि एक रीजनिंग को यूज़ कर रहा है। अब रीजनिंग वाला बच्चा क्या कर सकता है? कैन यूज डेटा टू मेक टेस्ट और आर्ग्यू अ कंजेक्चर। अब डेटा को यूज़ करके या तो वो एक बना सकता है या टेस्ट कर सकता है या फिर आर्ग्यू कर सकता है किसी कंजेक्चर के बारे में। अब बच्चा जो है वो अपने रीजंस भी दे सकता है मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में, एक्सप्लेन मोर देन जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर के अलावा वो अपनी रीजनिंग की स्किल उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है, वो आंसर्स को समराइज करने लग जाता है। और बच्चा जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजनिंग यूज़ करने लग जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रूफ यूज़ करने लग जाता है और लिसन करता है दूसरे की गणितीय सोच को, काउंटर एग्जाम्पल्स भी लाने की कोशिश करता है इसके अंदर। ठीक है, अब आ गया लास्ट पे, आ गया हमारा PS, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस शो करने लग जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है परसिस्टेंस, यानी कि एक चीज़ में लगातार लगे रहना। किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व नहीं हो रही, तो भी उसे छोड़कर ना भाग जाना और उस पर लगे रहना, जल्दी से गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। एक अनफेमिलियर प्रॉब्लम आने में उसे पता होता है कि मैं क्या करूं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करूं और कैसे मैं स्ट्रेटेजीज के बीच में स्विच ऑन कर जाऊं। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपने CDP में भी पढ़ा होता होगा कि मेंटल सेट, यानी एक ही तरीके से देखते रहना, फंक्शनल फिक्सेस, किसी चीज़ को एक ही प्रयोग के बारे में सोचना। तो ये सारी जो चीज़ें जो रोकती हैं ना, उनको बच्चा धीरे धीरे गणितीय सोच जब करने लगता है तो उनको हटाने लग जाता है। वो सोचता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा तो ये कर लूँ, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं हो रही तो ऐसे सॉल्व कर लूँ। एक अनऑफिशियल लिस्ट होती है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज की, जिसको वो यूज़ करने लग जाता है समस्या समाधान के लिए। तो देखिए ये मैथ्स की कई स्किल्स हैं जो कि हमारा गणित एज अ सब्जेक्ट, जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बच्चे को पढ़ाने लग जाते हैं, तो उसका पर्पस ये है कि बच्चे के अंदर ये सारी स्किल्स का डेवलपमेंट हो, कनेक्शन बनाए, वो संबंध बनाए, रिप्रेजेंट करे, चित्रित करे चीज़ों को, कम्युनिकेट करे, संप्रेक्षण करे, रीजनिंग दे और प्रूफ दे, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड में समस्या समाधान करे। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, एक रीजनिंग और प्रूफ दे रहा है, यानी वो बताएगा कि मैं जब क्रम में लगा रहा हूँ तो एक रीज़न है कि ये नंबर इससे बढ़ा है, ये इससे बढ़ा है, ये इससे बढ़ा है। तो वो जो ये क्वेश्चन टेस्ट करेगा बच्चे की रीजनिंग और प्रूफ की स्किल को। इसका आंसर 1 है। आर्यभट्टा वॉज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। भाई ये किसने किया था? ये किया था बुद्धगुप्त ने। आर्यभट्टा जो थे ना, ये बड़े बहुत महान मैथमेटिशियन रहे हैं। इन्होंने जो थी ना, वो पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था 3.14, और 2-4 डेसिमल तक उन्होंने सही कैलकुलेट किया था। वो एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, यूरोपियन देशों में तो ये बहुत बाद में पता चला। भाई आर्यभट्टा ने भाई और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी,
वो थी भाई डिस्कवरी जीरो की, ठीक है याद रखिएगा। तो आर्यभट्टा ने काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये जो थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्हें चांसलर बुद्धगुप्त ने अपॉइंट किया था। क्लासीफाई द गिवन नंबर इन टू इवन एंड ऑड नंबर्स। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वाले, इसमें पूछा जाता है कि ये कौन से के अंदर आएगा, तो इसके लिए आपको एक जनरलाइज समझ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखिए क्लासीफाई करना यानी चीज़ों को अलग अलग कर पाना। अब ये कैसे कौन कर पाएगा जिसकी क्या नॉलेज पे रिकॉल और रिकॉग्नाइज से आधारित है, सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन को याद करना और पहचानना, नहीं पहचानना या क्लासिफाई उस वो कर पाएगा जिसकी समझ विकसित होगी कि ये लाल रंग के बॉक्स हैं, ये पीले रंग के बॉक्स हैं, तो इनको अलग अलग करूँ, ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, इनको अलग अलग करूँ। तो ये हमारा आधारित है नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है, ठीक है। इंटरप्रेट करेगा अपने वर्ड्स के अंदर, बच्चा जो है आप यहाँ देखिए क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। नॉलेज के अंदर तो सिर्फ रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर रहा है, देख रहा है और पहचान कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर समझ कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को ही वही कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का तो मतलब है कि जो नॉलेज उसने बनाई है उसको नई सिचुएशन पे लगा कर देखना, वो इसमें ये एप्लीकेशन वाला नहीं है। और स्किल है किसी चीज़ को करके दिखाना, जो कि साइको मोटर से आधारित है, वो भी इसका आंसर नहीं है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, भाई ह्यूरिस्टिक मेथड है जो आर्मस्ट्रांग ने दिया था, जिसके अंदर लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड ये भी कहा जाता है, यानी खोज वाला मेथड, खुद कर रहे हो सब कुछ, लर्निंग बाय डूइंग ये सब आता है उसके अंदर। तो इसकी एक लिमिटेशन क्या है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बाल केंद्रित तो है, क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी एक्टिव होता है, वो खुद जो है वो डिस्कवरर का रोल करता है, तो ये तो लिमिटेशन नहीं है। डेवलप करता है सेल्फ लर्निंग, बच्चा खुद जो है वो अधिगम करता है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अनइकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, बच्चा जो है कितनी देर में किसी चीज़ के निष्कर्ष को आप चाहते हैं उस पर पहुँचेगा, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यही बात है कि टाइम जो है उसकी एक लिमिटेशन है कि डिस्कवरी करने में, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चा कितनी देर में सोचेगा वो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिलेबस जो है वो तो आपको कंप्लीट कराना है, तो इसलिए एक अनइकोनॉमिकल टर्म्स है में है ये टाइम की, उसमें इनकलकेट करता है साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल सही। आप किसी चीज़ की खोज कब होती है, देखिए जब हम बड़े होते हैं तो साइंटिस्ट वगैरह जो बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ की नई खोज करते हैं ना, उनको खोज करने में ही आप देखिए कितना समय लग जाता है, कितना उनको परसिस्टेंस चाहिए, लगे रहना चाहिए, तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड है ना, किसी चीज़ पे लगे रहना और नई नई चीज़ों को देखना और जो उसे मिलती नहीं है उसको हटा देना, तो वो जो है वो एक छोटे बच्चे के लिए करना। हाँ वो एक्टिव तो रहेगा, हाँ उन चीज़ को खोजेगा तो नए प्रिंसिपल बनाएगा तो, मगर टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है 3। इंस्ट्रूमेंट जो कि मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर नहीं होता, यानी गणित के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या नहीं होता। अब आप देखिए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यानी कि जिसको आप डी भी कहते हैं, क्योंकि ये डी के आकार में होता है, देखिए ऐसे डी शेप में होता है, इसलिए इसको डी भी बोला जाता है। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप जो है वो एंगल बना लेते हैं अलग अलग डिग्री के, यानी कि ये 50 डिग्री का ऐसे रख के, और इस तरीके से आप बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं, तो ये तो होता है। अब आ गया हमारा डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, वो जो है वो किसी भी रेखा खंड होता है यानी लाइन सेगमेंट को नाप लेता है, यानी देख लेता है कि ये दोनों को खोलेंगे और आप देखेंगे कि ये 3 डिग्री का है, 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी 3 सेंटीमीटर आपने देखा, और उसके बाद आपने किसी और रेक लाइन सेगमेंट को देखा कि वो भी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने सेम खोल के रखा है, तो आप दो कह देंगे कि दोनों जो है वो सेम है, तो इस तरीके से डिवाइडर का यूज होता है। कंपास, कंपास जो होता है ना भाई, वो हमारा ड्रॉ करने के लिए यूज होता है कि आप उसे सर्कल बना सकते हैं, उसमें एक लेग जो होता है ना वो तो फिक्स होता है यानी कि जो पॉइंटेड होता है, और दूसरे में आप पेंसिल वगैरह लगाते हो और उस तरीके से आप जो है वो सर्कल बना सकते हो, आप एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो, तो वो सब होता है। टेप जो है ना भाई, वो इसका भाग नहीं है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, तो ये इसका आंसर है। और हम देख सकते हैं कि उसका और भाग क्या है भाई, स्केल है। स्केल से आप क्या कर सकते हो, स्केल से आप लाइन सेगमेंट बनाते हो, आप लाइनें बनाते हो अलग अलग नाप की, कि 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, तो एक पैमाना जिसे कहते हैं आप। और भाई दो सेट स्क्वायर्स भी होते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए दो सेट स्क्वायर कौन से होते हैं, एक सेट स्क्वायर जो होता है ना, दोनों सेट स्क्वायर में हमारे एंगल 90 90 के तो होते हैं, मगर एक के अंदर बाकी जो दो एंगल होते हैं ना वो 45 45 डिग्री के होते हैं, यानी बराबर होते हैं। और एक में क्या होता है हमारा, आप यहाँ देखिए कि ये वाले में ये बराबर लग रही है ना हमारी, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री का हो गया, और इस वाले में हमारा ये जो है ये है 30 डिग्री का,
और ये है हमारा 60 डिग्री का, तो 30 60 90, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बस देखिए, आप ये देखिए, अगर ये है हमारा 90, 45 और 45, क्योंकि एंगल्स अगर हमारे सेम एंगल होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और अब हमें ये बनाना है, ये हो गया 90, ये होगा हमारा 30 और ये होगा हमारा 60, क्योंकि ये बड़े एंगल के पीछे हमारी जो लाइन होगी वो भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे दो सेट स्क्वायर होते हैं, 45 45 90 वाला और 30 60 90 वाला। इससे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं इन सेट स्क्वायर्स को बनाने के लिए। आप सीधा जो है वो करके एंगल्स बना सकते हैं और काफ़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। करिकुलम एक टूल है, एक हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट, एक टीचर के हाथ में टू मोल्ड हिज मटेरियल, यानी पीपल्स को मोल्ड करने का अपने आइडियाज़ एम्स के तहत एक अपने स्टूडियो में स्कूल के अंदर। भाई ये जो स्टेटमेंट थी ये कनिंगम ने कही, ठीक है, उसने करिकुलम के बारे में ये बातें कही थी कि एक टूल है टीचर के हाथ में अपने मटेरियल स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना और अपने एक आइडियल एम जैसा आप बनाना चाहते हो, और स्टूडियो उसका क्या है, स्कूल। अब करिकुलम शब्द जो है ना भाई, इससे रिलेटेड एक बात देख लीजिए, वो लैटिन वर्ड आया है करिक्यूरी से, जिसका मतलब है एक रेस कोर्स, यानी कि एक दौड़ का मैदान जिसमें दौड़ रहे हैं। पहले ऐसी ही सोच रही होगी कि एक दौड़ है जिस जो हमें बच्चों को दौड़ाना है, तो उस तहत जो है वो एक करिकुलम यानी कि शब्द का आया। और करिकुलम जो है ना भाई, वो सिलेबस शब्द से अलग है। सिलेबस जो है वो है पाठ्यक्रम, जो किताब क्या पढ़ाना है, और करिकुलम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, यानी ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो कि बच्चा ले रहा है। हिडन करिकुलम भी है, छुपा हुआ है, आप कौन सी आइडियोलॉजी से बच्चे को सिखा रहे हो जो नहीं भी दिख रहा। तो करिकुलम जो है वो बड़ी टर्म है, सिलेबस जो है वो सिर्फ पाठ्यक्रम से रिलेटेड टर्म है, करिकुलम ओवरऑल एक्सपीरियंस है। करिकुलर पढ़ाई से रिलेटेड, एक्स्ट्रा करिकुलर खेल कूद से रिलेटेड, को करिकुलर छुपा उपा जो आप सिखा रहे हो, जितने भी एक्सपीरियंसेस आप दे रहे हो वो आते हैं भाई करिकुलम के अंदर। और सिलेबस पाठ्यक्रम जो है वो सिर्फ करिकुलर यानी कि जो सिर्फ किताबों से संबंधित है वो है। एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या टेस्ट करेंगे आप फॉलोइंग टेस्ट आइटम से? आपको लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर करना है। अब भाई लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर करना है तो आप क्या करेंगे? वैसे तो इसमें ये पूछ रहे हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन है कि क्या टेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देख लेते हैं कि क्या बनेगा। वैसे 8752 बनेगा, तो उसमें आपने क्या किया, आप इसके अंदर कर रहे हैं भाई रीजनिंग और प्रूफ, यानी आप जो है इंडक्टिवली बहुत सारे नंबर कॉम्बिनेशन बनाकर, बच्चा देखेगा 7528 भी बना सकता है, और फिर जो है वो एक रीजन एक प्रूफ पर आएगा और काटेगा जो कि ये गलत नहीं है ये नहीं, और वो फिर कहलाता है हमारा रीजन दे पाएगा कि भाई अगर हम जो है 100 प्लेस पे 8 रखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा आएगा, तो ये कहलाता है रीजनिंग और प्रूफ। कम्युनिकेट, तो अपने आइडियाज़ के बारे में बता पाना, कनेक्शन इस फिजिक्स का संबंध मैथ से, रिप्रेजेंट यानी कि आप विजुअलाइज करना, यानी आप नंबर लाइन वगैरह पे दिखा रहे हो, वो सब नहीं है, इसका आंसर है रीजनिंग प्रूफ। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज अर्थमेटिक यानी अंकगणित, एलजेब्रा ठीक है, और एनालिसिस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिक, लॉजिक के आधार पर आप जो है इनको बता सकते हो। भाई ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट कही थी, ये कही थी सी जी हेम्पल ने। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एक दो देखेंगे और बार बार आपकी नज़रों से जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अंकगणित, एलजेब्रा, एनालिसिस, चीज़ों को तोड़कर देखना, और ये सब जुड़ा हुआ एक लॉजिक के साथ, ऐसी बात कही हेम्पल ने। ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी जो थी उसमें सिंथेसिस को किस तरीके से, मतलब उसकी जगह कौन सा शब्द लिया? तो देखिए, उसमें सबसे पहला था नॉलेज, उसको ये हमारी है पुरानी, ठीक है, और ये है हमारी नई जो 2001 में आई, ठीक है, और ये 1956 के आसपास आई थी। नॉलेज जो है ना उसकी जगह आने लग गया वर्ड रिमेम्बर, यानी याद कर पाना, जो कि रिकॉल और रिकॉग्नाइज है। कॉम्प्रिहेंशन शब्द को जैसे मैंने बताया उसको रिप्लेस किया गया अंडरस्टैंडिंग, समझ के आधार पर। तीसरा एप्लीकेशन को एप्लीकेशन ही है, अप्लाइंग लिख लो कोई बात नहीं। चौथा है एनालिसिस, चीज़ों को तोड़ कर देखना, वो सेम वर्ड रहा। अब पाँचवा वर्ड सिंथेसिस, यहाँ पे हो गई क्रॉसिंग, वो चेंज हो गया, उसकी जगह नया शब्द है क्रिएटिंग, सृजन करना, कई नई नई चीज़ का बनाना, निर्माण करना। और इवेल्युएशन जो है वो क्रॉस ओवर होकर चीज़ों की सही गलत उसकी बातों में आंकलन करना, वो आ गया नीचे। तो नया जो शब्द बना भाई वो सिंथेसिस की जगह बना
क्रिएटिंग, और वो टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर आ गया, बहुत हाई लेवल का है। सबसे नीचे लेवल के देखो नॉलेज रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर पाना, जैसे रटने वाले से संबंधित है ना, कि आपको याद है आपने रट्टा मारा था तो आपको आप रिकॉल कर पाए और रिकॉग्नाइज कर पाए, अंडरस्टैंडिंग समझ बना पाए आप किसी चीज़ की, आपने मैथ्स पेडोगोजी की अच्छी समझ बना ली, अप्लाई कर पाए, यानी कि आपने जो अपने बच्चों के स्कूल में या फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए आपने उस समझ को आपने अप्लाई किया, एनालिसिस आपने चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कि ये कैसे जुड़े हुए हैं, सिंथेसिस, फिर आपने इवेलुएट किया यानी कि चीज़ें क्या सही हैं क्या गलत हैं क्या क्या नया नया चेंज हो रहा है वो सब, और एंड में क्रिएशन यानी कि नई नई मैथ्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है और क्या नए नए मैथमेटिशियन साइंटिस्ट क्या क्या बना रहे हैं, तो वो तो एक बहुत हाई लेवल रिसर्च लेवल पे आ जाती है जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वो आती है क्रिएटिंग, जब फॉर्मली रूप से ऐसा है कि छोटे रूप में भी बच्चा कोई नया क्रिएट कर सकता है आइडियाज, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ क्रिएट करनी है ना, मगर जो हमारी हाई लेवल जब डिडक्टिव रीजनिंग होती है जो कि हमारी पीएचडी की रिसर्च वगैरह होती है वो क्रिएशन पे आधारित है, क्योंकि आपने मैथ्स एज अ बॉडी एज अ सब्जेक्ट उसमें आपने क्या नया कंट्रीब्यूट किया तो वो कहलाता है क्रिएशन, इसका आंसर है क्रिएटिंग। द मेथड दैट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, भाई प्रैग्मेटिज्म जो थी ना ये अमेरिका में फिलोसफी चली, यानी कि बच्चा जो है वो योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बच्चा जो है कर कर सीखे नए नए प्रोजेक्ट दें उसके एक्टिव बना रहे, तो ये सारी बातें जो है ना प्रैग्मेटिज्म की थी जिसके अंदर हमारे जॉन डूई वगैरह और किला पिट्रिक ये सब जुड़े हुए थे, तो ये इसके अंदर आ गई भाई प्रोजेक्ट मेथड की बात, ना इंडक्टिव ना डिडक्टिव ना सिंथेटिक, इंडक्टिव आगमन डिडक्टिव निगमन और सिंथेटिक संश्लेषण तीनों ही नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड इसे आधारित है। अब नंबर ऑफ डोमिनोज कार्ड कितने होते हैं मैथ्स किट के अंदर जो कि ओबीबी स्कीम के अंदर सप्लाई की जाती है, भाई आप देख सकते हैं कि आपने ये ऐसे कार्ड होते हैं ठीक है जिसके अंदर ये हमारी इस तरीके से चौड़े जाता होते हैं, लंबाई कम होती है यानी लेंथ ये हो गई और ब्रेड चौड़ाई ये हो गई ठीक है, तो उसके अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पे 0 है यानी कि कुछ भी नहीं है ब्लैंक है, और यहाँ पे 6 हो गए, फिर 1 और 6, 2 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और 6 और 6 और 6, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, और ये इसी तरीके से 0 और 5, 1 और 5, तो ये कितने हो गए 6 हो गए, ये कितने हो गए 5 हो गए, ये कितने हो गए 4 हो गए, ये कितने हो गए आप यहाँ से देखिए 0 और 2, 1 और 2, 2 और 2, ये हो गए 3, ये हो गए 2 और 1, तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे, ये हो गए भाई हमारे ऐड कर लीजिए 7 8 9 10 11 12 13, तो भाई इसके अंदर उन्होंने यूज़ की हमारे ये तो हो गए हमारे 28 ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने हमारा यूज़ किया 0 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, तो ये तो हो गए हमारे ठीक है, फिर इसके बाद यूज़ किया 0/9 ठीक है, और एक हमारा 7 का यूज़ किया 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, तो 7/7 में हमारे कितनी आ गई, हमारी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 वाले में तो आ गई हमारी 8 ठीक है, और 8 वाली टर्म के लिए जब हमने यूज़ किया तो 0 1 कुछ भी नहीं दिखता हुआ, और 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गई हमारी 9 ठीक है, और 10 वाले के लिए फिर और 0 से 9 ठीक है, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9, तो ये आ गए हमारे 10, तो 10 और 9 हो गए हमारे 19, और 19 और 8 हो गए हमारे 20 21 22 23 24 25 26 27 37, 37 और 28 हो गए हमारे 55, हमारा यूज हो रहा है भाई हमारा 9/9 का ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर है 55। इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हमारा 1 फिर 2 फिर 3 फिर ये 4 और ये 10 तक यूज़ हुआ ठीक है, और हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है एन एन प्लस 1/2, तो आप यहाँ यहाँ लिख दिया एन जो थे वो 10 थे, 10 जमा 1 11/2, तो हमारा आंसर आ गया 55 ठीक है, ऐसे बनाने के बजाय आप हमेशा ये याद रखना कि हमारे 10 वाले तक गए यानी कि 10 10 हुए, तो 10 किसके होंगे जब 9 और 0 होगा, 9 और 1 होगा, 9 और 2 होगा,
उस तक, यानी 10 वाली मत देखना कि 10 और 0, 10 और 0 होगा तो 11 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा 9 कार्ड एक तरफ, तो हमारा जो लार्जर सेट होगा जो 9 बाय 9 तक जाएगा, तो उसके हमारे 55 पीसेस बनेंगे। ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्केल पॉइंट्स द टेक्स्ट बुक इज टू बी असेस्ड एज पर हंटर स्कोर। हंटर स्कोर कार्ड एक दिया गया था जिसने टेक्स्ट बुक को इवेल्युएट करने को दिया था, तो उसमें हमारा कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स थे, कितना स्कोर कार्ड पे वो आधारित था। वो था भाई 1000 पॉइंट स्केल पे था, जिसके अंदर स्कोर कार्ड्स और चेकलिस्ट यूज़ की जाती थी कि एक किताब जो है वो टेक्स्ट बुक बनने लायक है या नहीं। जॉर्ज हंटर ने ये हमारा एक ये कार्ड दिया था, स्कोर कार्ड। उसने कहा था कि एजुकेशनल रैंक ऑफ द ऑथर, यानी कि जो किताब लिखने वाला है उसने PhD कर रखी है, MA पास है या 12th पास है, या फिर क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर उसके 50 नंबर हो गए। ठीक है। मैकेनिकल मेकअप एंड कॉस्ट, यानी कि किताब जो है वो दिखती कैसी है और उसका मूल्य क्या है, उसके 100 पॉइंट्स है। साइकोलॉजिकल साउंडनेस, यानी कि अगर कोई मैथ्स पेडागोजी की किताब है तो उसमें जो टॉपिक्स हैं क्या सारे कवर किए गए हैं, क्या वो जैसे आप टीचर बनने जा रहे हो तो उस पे आधार, उस चीज़ पे ही आधारित वो किताब है, या फिर ऐसे ही कुछ भी बता रही है, तो वो साइकोलॉजिकल साउंडनेस के 300 पॉइंट है, यानी सबसे ज़्यादा पॉइंट है। सब्जेक्ट मैटर, यानी आपने जो सब्जेक्ट है उसे कैसे पेश किया है। लिटरेरी स्टाइल, यानी कैसे किया है पेश। सब्जेक्ट मैटर यानी क्या कंटेंट है। साइकोलॉजिकल साउंडनेस यानी कि वो जो जिसके लिए किताब पढ़नी है, अगर सेकेंड क्लास के बच्चे के आधार पर पढ़ी है तो वो उसके कॉग्निटिव लेवल से मैच करती है, यानी। ठीक है। लर्निंग एक्सरसाइज, क्या क्या एक्सरसाइज दी गई हैं और क्या टीचर की हेल्प के लिए दिया गया है जो कि उसे पढ़ाने वाला हो। तो कुल मिला के 1000 पॉइंट का एक स्केल था, एक स्कोर कार्ड था, और उस पे जितना कोई स्कोर करता है उससे एक टेक्स्ट बुक बनने लायक है या नहीं वो किताब, उसको असेस किया जाता है। 5, 6, क्या ये किस तरीके का क्वेश्चन है भाई? ये एक एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सी बात है कि 2 और 5 का आपस में क्या संबंध है, उसी पर आधारित आप, जैसे ये जमा 3 का संबंध लग रहा है तो 6 में 3 का संबंध कर सेम संबंध आप लगाएंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है। ये एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इन साइको मोटर डोमेन, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि इमिटेशन यानी कि नकल करना, और उसके बाद मैनिपुलेट खुद करके देखना, प्रिसीजन बहुत अच्छी तरह करने लग जाना, आर्टिकुलेट यानी बिल्कुल अच्छी तरह करने लग जाए, हारमोनियस तरीके से गाड़ी चलाते हुए भी गाने सुनने लग जाए, और नेचुरलाइजेशन वो आपकी एक हैबिट बन गया, तो सेकेंड लेवल पे जो है वो है मैनिपुलेशन। अच्छा, जो है वो ड्रॉ करेगा डायग्राम इक्वल फ्रैक्शंस के, यानी बराबर फ्रैक्शन के, तो वो क्या करेगा, वो एक हमारी स्किल को यूज़ करेगा, और वो स्किल कौन सी होगी, रिप्रेजेंटेशन। बच्चा जो है इक्वल फ्रैक्शन के डायग्राम करेगा, तो जैसे कि ये 1/4 है, और बच्चा जो है इसको ये भी 1/4 है, और वो कहेगा ये तो इक्वल फ्रैक्शन है, तो ये एक तरीके से एक स्किल है, यानी कि एक उसको दिखाएगा वो रिप्रेजेंटेशन को, यानी उसको दिखा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है रिप्रेजेंटेशन। एक OBB स्कीम यानी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम में हमारा TLM जो था मैथ्स किट के अंदर, उसमें कितने मटेरियल थे भाई? उसमें 7 मटेरियल थे। डोमिनोज थे जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हमारे 55 थे। क्यूजेनियर स्ट्रिप्स थी, नेपियर स्ट्रिप्स थी जो कि गुणा करने में काम आती है। सॉलिड थे यानी ठोस थे, बड़ी सा एक स्फेयर, बड़ा सा एक सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सब। फ्रैक्शनल डिस्क जो कि भिन्न पे आधारित है। क्यूबिक रोड जो कि सिखाने के लिए कि ये इससे लंबी है, ये इससे लंबी है, इस तरीके से बच्चों को समझाने के लिए। स्पाइक एबेकस, स्पाइक एबेकस यानी कि बच्चे को गिनती सिखाने के लिए। क्यूजेनियर स्ट्रिप्स से जो है ना भैया, वो बच्चा जो है ना वो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखता है, ठीक है, उसे सिखाने में मदद करती हैं। और जबकि क्यूबिक रोड्स जो है ना वो सिर्फ इंक्रीज करता हुआ दिखाती है कि ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरी छड़ी है, ये चौथी छड़ी है, ये इससे बड़ी है, सॉरी दिखने में मेरे से ही नहीं बनी, हाँ मतलब इस तरीके की होती है। जबकि क्यूजेनियर स्ट्रिप्स में बहुत छोटे छोटे 1/1 के जैसे ऐसे हो गए, ठीक है, तो बच्चे ने क्या कहा, ये 4 हैं, ठीक है, और एक छड़ी ले ली उसने ये पूरी, तो ये क्या है, ये एक 1/10 है, तो ये हो गया 10 जमा 4 करके वो लिख देगा 14 है। तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए क्यूजेनेरियन स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं। क्यूबिक रूट सिर्फ 1, 2, 3, 4 यानी गिनती को दिखाने के लिए, और कैसे वो बड़ी होती जाती है। नंबर इंक्लूजन यानी एक नंबर के अंदर दूसरा नंबर इंक्लूडेड है, तो वो दिखाने के लिए यूज की जाती है। तो कुल मिला के जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा TLM है 7। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कॉलास्टिक टेस्ट। अब स्कॉलेस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? स्कॉलेस्टिक टेस्ट वो होते हैं जो कि अचीवमेंट को, अचीवमेंट टेस्ट जैसे होते हैं, यानी कि उपलब्धि प्रशिक्षण कितना आपको आ गया है, तो उसके अंदर क्या आया होंगे, उसके अंदर होंगे भाई टीचर में टेस्ट। टीचर जो है वो अचीवमेंट टेस्ट दे के बनाएगी कि मैथ्स में बच्चे को ये आ गया, इस टॉपिक में इतना आ रखा है, तो वो सब कहलाते हैं स्कॉलेस्टिक टेस्ट।
तो यही इसका आंसर है। सिंथेटिक मेथड के क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? भाई सिंथेटिक मेथड का मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है ना, वो है आपका नोन से अननोन की तरफ जाना। ये याद रखिएगा, जो आपको पता है उन सारी चीज़ों से मिलकर आप अननोन एक प्रिंसिपल बना रहे हो, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ, ये जो है आप इंडक्शन में जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल भी उसी में जाते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट भी उसमें जाते हैं, हाइपोथेसिस से कंक्लूजन भी उसमें जाते हैं। मतलब इसके चारों ऑप्शन मुझे ऐसे नहीं लगे कि आप कौन सा लगा सके। हाँ बस ये है कि आप ज्यादा बेटर लगाना है आपको, तो आप जो है दूसरा लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ। वैसे ये चारों जो है मोस्टली इंडक्शन के लग रहे हैं, आगमन विधि के। तो हाइपोथेसिस है यानी कि जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनसे आप सारी चीजों को संश्लेषण यानी इकट्ठा करके आप एक कंक्लूजन बना रहे हो, तो वो इसका आंसर हो सकता है। मगर ज़्यादा मेन जैसे हम किसी चीज़ को बताने के लिए करते हैं ना, जैसे इंडक्शन, आगमन, आगमन है आपका बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल से आपने एक जनरल रूल बनाया। डिडक्शन, निगमन, आप जो है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो। एनालिसिस, चीज़ों को तोड़ रहे हो, आप जो है अननोन से नोन की तरफ जा रहे हो। ऐसे ही सिंथेसिस, यानी आप नोन से अननोन की तरफ जा रहे हो। ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा देख कर लगाइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो जो कि कंसिडर किया जाता है एक आइटम असेस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि आप जो है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें आप बच्चे का पूरा देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है और लगातार आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके क्या काम देंगे? पीपल पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्शन, रिटर्न वर्क, स्लिप टेस्ट या प्रोजेक्ट वर्क। पोर्टफोलियो के अंदर आप बच्चे के रिटन वर्क मेंटेन कर रहे थे, लैंग्वेज टी वाली टीचर जो बच्चा जो है कुछ लिख रहा है तो उसके सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रख लेती है, तो रिटन वर्क इसका आंसर है। प्रोजेक्ट वर्क पोर्टफोलियोज में नहीं आते हैं, वो तो अलग से ही हो जाती हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर आप लैंग्वेज असेसमेंट के अंदर आप उस बच्चे के पोर्टफोलियो बनाया आपने, और उसके अंदर उसके हर एक बच्चे का बनाया, तो उसके रिटन वर्क भी रख लिए, तो रिटन वर्क इसका आंसर है। पेपर के आंसर की है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे PKV रीट 100 टेस्ट सीरीज ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर है। मैथ्स पेडोगोजी के ऐसे ही मॉक मैं आपके लिए और लाती रहूँगी, और आपको किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।